तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि जो सेकंड पार्ट के बारे में। पहले पार्ट में आप लोगों को बताया कि सीजर जितने टाइप का होता है, और वो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, इसीलिए मैं ट्राई किया कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ सभी चीज जो है शेयर करूं, क्योंकि अधूरा कुछ चीज छोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए जो है सेकंड पार्ट मैंने बनाया आज, तो आप लोग पूरे एंड तक वीडियो देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके अंदर जो फर्स्ट चीज है वो हमारा है वेजाइना स्पेकुलम। वेजाइना स्पेकुलम बेसिकली टू टाइप्स का आता है। पहला है कॉस्को बाइवाल्वा वेजाइना स्पेकुलम, और जो सेकंड है वो है स्मिग वेजाइना स्पेकुलम। जो कॉस्को वाल्वा है वो नॉर्मल टाइप का आता है, और जो स्पिग वेजाइना स्पेकुलम है वो डबल ब्लेडेड है, यानी कि उसके अंदर दो ब्लेड लगाया जाता है। और इसका यूज जो है वेजाइना को विजुअलाइज करने के लिए ये काम आता है। सेकंड हम बात करते हैं जो कि है यूटेराइन साउंड। ये जो है बेसिकली नॉर्मली हमारे एब्डोमेन पार्ट जो होता है, एब्डोमेन पार्ट पे हमारा जो यूटेराइन कॉन्टेंट्स है उसको पता करने के लिए बेसिकली ये यूज होता है। मान लो कि ट्यूमर है, प्रोलिप है, प्लाजेंट पीसेस है, या प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है, उसके जो पोजिशन होता है उसके पोजिशन को हम नोट करने के लिए क्या है बेसिकली यूटेराइन साउंड को यूज करते हैं। नंबर थ्री पे बात करते हैं यूटेराइन फ्लेशिंग क्यूरेट के बारे में, जो डी एंड ई के ऑपरेशन के दौरान बेसिकली काम आता है। डी एंड ई का मतलब जो है डायलिएशन और इवैक्यूलेशन। डायलिएशन और इवैक्यूलेशन की ऑपरेशन के दौरान ये जो है बेसिकली काम आता है, और जो है यूटेराइन कैविटी को फ्लश करने के लिए ये काम आता है। उसके बाद नंबर फोर बात करते हैं सर्वाइकल डायलेटर्स के बारे में। इसका यूज सिंपल है, बेसिकली सर्वाइकल कैनल जो होता है, सर्वाइकल कैनल को डायलेट करने के लिए ये यूज होता है। और जो ये देख रहे हैं डायग्राम, इसका सभी का जो साइज है, साइज अलग अलग होता है, छोटा होता है, कई टाइम बड़ा होता है, तो साइज अलग अलग होता है। उसके बाद बात करते हैं पेल्विमेट्री के बारे में। पेल्विमेट्री जो चीज है ये बहुत ही रेयर काम पे आते हैं। ये जो है ये पेल्विक, हमारा पेल्विक गार्डिया जो है, पेल्विक गार्डिया के पेल्विक के पार्ट को, पेल्विक के पार्ट को मेजरमेंट करने के लिए या पेल्विक के टाइप को पता करने के लिए ये बेसिकली यूज आता है, और स्पॉन्टेनियस लेवल पे भी इसको यूज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं एपिजियोटोमी सीजर के बारे में। इसके यूज विजाइना ऑपरेशन के दौरान फिटल हेड को विजाइना कैनल से सेप निकलने के बाद मदर के पेरिटोनियल स्किन और टिश्यू पर कट लगाने के लिए ये सीजर बेसिकली एपिजियोटोमी सीजर यूज होता है। उसके बाद बात करते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर के बारे में। ये सीजर जो है सिंपली है, बेसिकली एम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के लिए ये सीजर काम पे आता है, इसलिए इसको कहता है कि एम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर। उसके बाद बात करते हैं डोयांस रिट्रैक्टर के बारे में, जो हमारे बॉडी के मसल्स होता है, बॉडी के मसल्स को रिट्रैक्ट करने के लिए ये बेसिकली काम पे आता है। उसके बाद बात करते हैं डेवियर रिट्रैक्टर के बारे में। तो ये बेसिकली सर्जिकल साइट से बॉडी का जो ऑर्गन होते हैं, सर्जिकल साइट से बॉडी के ऑर्गन को साइड करने में या ट्रांसफर करने में ये बेसिकली काम आता है। और जो है एब्डोमिन पार्ट पर थोरेसिक प्रोसीड्योर के दौरान, यानी कि एब्डोमिन पार्ट पे थोरेसिक प्रोसीड्योर के दौरान एब्डोमिन जो वाल होता है, एब्डोमिन वाल को होल्ड करने का काम करता है, यानी कि ग्राफ्ट करने का काम करता है। जो एब्डोमेन वाल होता है उसको पकड़ने के लिए यह काम आता है। और बात करते हैं उसके बाद सिंगल हुक एंड डबल हुक रिट्रैक्टर। तो मान लो बेसिकली सिंगल हुक रिट्रैक्टर जो है उसका हुक एक वाला है, यानी कि उसका एक हुक है, और जो डबल हुक रिट्रैक्टर है उसका हुक दो है। तो बॉडी में जब कोई बड़ा ऑपरेशन और छोटा ऑपरेशन होता है, कि मान लो उस चीज को खींच के रखना पड़ता है, यानी कि मान लो आंख का ऑपरेशन, तो आंख का जब ऑपरेशन होता है इस आंखों की पत्री को खींच के रखना पड़ता है, तो उस खींचने के टाइम वो चीज यूज होता है। इसका जो है डायग्राम देख रहे हो, कई टाइम जो है बड़ा होता है, कई टाइम छोटा होता है, जो कि छोटा काम में यूज होता है। अगर पेट वेट वगैरह का ऑपरेशन हो तो उसके अंदर बड़ा का यूज होता है, और जो दो हुक वाला है वो टू हुक का यूज होता है, और वन हुक वाला जो आंखों में या नोज पे अंदर यूज होता है वो एक वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि मान लो फेको इंसुलिफिकेशन की ऑपरेशन, आंखों में रेटिना का ऑपरेशन इसके दौरान यूज होता है। उसके बाद बात करते हैं जो कि है हमारा भाई साहब फोकमैन रिट्रैक्टर, जिसका और एक नाम है कैट पाव, क्योंकि इसका जो फ्रंट वाला टिप होता है
वो बिल्ली की पंजे की जैसा दिखता है, इसीलिए इसको कैट पाव कहते हैं। इसका बेसिकली काम नहीं होता उतना, ओपन हार्ट सर्जरी इस तरह की बहुत ही रेयर काम पे ये यूज होता है। ये जो है, ये डायग्राम दिख रहा है, ये है मॉरिस रिट्रेक्टर। इसका तो फिलहाल गूगल पे भी मैं सर्च किया कि उतना ज्यादा काम नहीं आता, सिमिलर ही चीज है। ये जो हमारा फ्रंट वाला, मतलब नंबर वन वीडियो पे जो फ्रंट वाला, जो नंबर वन वाला जो पॉइंट है, नीडल होल्डर, तो नीडल होल्डर की जैसा ये सिमिलर इसका काम है, इसीलिए हम दूसरे बार इसको मेंशन नहीं किया। आप जाके नंबर वन का जो हमारा वीडियो है पार्ट वन का, वो भी देख सकते हैं। तो चलो उसके बाद हम बात करते हैं जो कि है लॉन्गर ब्रेक रिट्रेक्टर। ये जो है बेसिकली हर्नियोप्लास्टी और थायरॉइडोक्रोटोमी के दौरान यूज होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो कि है बैकहोस टॉवल फॉर्सेप्स। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है टिश्यू पेपर और टॉवल को होल्ड और ग्राफ्ट करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए एक से दूसरे जगह पे, ये बेसिकली यूज होता है। उसके बाद बात करते हैं जो कि है मायो टॉवल क्लिप। तो मायो टॉवल क्लिप का काम क्या है? मान लो कि किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, तो उसको जो साठ वगैरह फाड़ के एक जगह से दूसरे जगह की डस्टबिन में भी फेंक, मतलब डस्टबिन में भी नहीं फेंका जाता, क्योंकि वो जो 100% होता है उसके फैमिली का अगर परमिशन होगा तो ही उस ड्रेस को डस्टबिन में फेंकेगा, नहीं तो वो रख दिया जाता है, वो पर्सन ठीक होने के बाद उसको दूसरे टाइम दे दिया जाता है। तो वो जब रखता है 100% की ड्रेस को, जब एक जगह से दूसरे जगह रखता है, तो काम क्या आता है? ये हमारा मायो टॉवल क्लिप काम आता है। उसके बाद चलो बात कर लेते हैं जो कि है बार्ट पार्कर नाइफ होल्डर। तो इसका बेसिकली काम क्या है? नाइफ होल्डर सुनते ही आपको लगता है कि कोई नाइफ का जो होल्ड करने का या ग्राफ्ट करने का जो चीज है ओ, लेकिन ये थोड़ा अलग है। नाइफ होल्डर मतलब जो ब्लेड के जरिए ऑपरेशन किया जाता है, वो ब्लेड का जो पकड़ने की चीज होता है, जिसके साथ होल्ड करके ब्लेड को लगाया जाता है, उस होल्डर का नाम है हमारा बार्ट पार्कर नाइफ होल्डर। तो ये बेसिकली बार्ट पार्कर नाइफ होल्डर जो है, छोटा बड़ा मीडियम अलग अलग साइज होता है। कि मान लो छोटा जगह ऑपरेशन करना है तो छोटा होल्डर लगाया जाता है, बड़ा जगह ऑपरेशन करना है तो बड़ा होल्डर लगाया जाता है। उसके बाद चलो बात करते हैं जो कि है हमारा सर्जिकल ब्लेड के बारे में। ये जो सर्जिकल ब्लेड है, ये तो बहुत साइज का आता है, इसीलिए ये बहुत ही वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो डायग्राम दिख रहा है, ये सभी जो है अलग अलग साइज का होता है, ये है हमारा सर्जिकल ब्लेड। उसके बाद चलो बात कर लेते हैं डोयंस माउथ गेग के बारे में। ये जो डायग्राम दिख रहा है इस तरह का, डोयंस माउथ गेग यानी कि ओरल पे अगर कोई प्रॉब्लम होता तो ये माउथ गेग ओरल के अंदर यानी कि मुंह के अंदर लगा के टेस्ट वगैरह जो है करते हैं। कि मान लो पेशेंट की ओरल हाइजीन के दौरान ये यूज होता है, और एंटी के दौरान भी कई कई टाइम यूज होता है। उसके बाद बात करते हैं जो कि है सुचर रिमूवल सीजर के बारे में। तो इसका तो फंडा सिंपल है, सुचर रिमूवल यानी कि सुचर को काट और रिमूव करने के लिए बेसिकली काम पे आता है। उसके बाद बात करते हैं प्रोटोस्कोप के बारे में। प्रोटोस्कोप जो है रेक्टम के विजुअलाइज करने के लिए काम पे आता है, विजुअलाइज मतलब व्यू लेने के लिए, रेक्टम के व्यू लेने के लिए ये काम पे आता है। और सबसे लास्ट चीज जो कि है पिनार्ड फिटोस्कोप। इसका बेसिकली काम क्या है? जो कि हमारा फीटल हेड साउंड है, तो फीटल हेड साउंड को डिटेक्ट करने के लिए जो चीज काम पे आता है वही है हमारा पीनट फिटोस्कोप। तो यही था आज का जो वीडियो का मकसद, सेकंड चैप्टर। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, और आगे ऐसे ही नर्सिंग का और भी वीडियो अगर आप देखने के इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपके पास सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और एक वीडियो के साथ। और एक चीज जो है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि बेड मेकिंग, बेड प्रोसेस के बारे में। नर्सिंग में जो है बेड मेकिंग, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा चीज है। बेड मेकिंग के बारे में आपको पता लगना चाहिए कितने तरह की अलग अलग होता है और काम क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं बेड मेकिंग के बारे में। तभी के लिए बाय बाय।